दोस्तों, पुनः चर्चा करने वाले हैं अपन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। निरंतर अपनी एक प्रकार की यात्रा चल रही है हिंदी की, और लगातार प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग भी बहुत बड़ी संख्या में देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बस ऐसे ही हमें एक क्रम जारी रखना है, अपनी तैयारी को करना है। तो शुरुआत कर देते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखें, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, एक कैसा वाक्य है? ये मतलब कैसा वाक्य, किस वाच्य का वाक्य पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, ये भाववाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की, और भाववाच्य में अन्य, मतलब उससे नहीं रहा जाता, ऐसे अन्य की प्रधानता यहाँ पर होती है। वहाँ जाओ कैसा वाक्य है? वहाँ जाओ, जल्दी से बता दें तो अपन किसी से कहते वहाँ जाओ, क्या देते हैं? एक प्रकार की आज्ञा। देखिए क्या कैसा हो जाएगा, आज्ञावाचक। फटाक से आपको पहचान के उत्तर देना है हमारे बताने से पहले, ठीक है दोस्तों? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, एक कैसा वाक्य है? तो वो कह रहे जब तक घर पहुंचा, फांग इसी का विस्तार कर दिया, उसके पिता जा चुके थे, अर्थात ये मिश्र वाक्य है। मोहन नहीं आने वाला है, कैसा है वाक्य, जल्दी से बता दें। मोहन नहीं आने वाला है, तो ये नहीं शब्द आ गया, ये नहीं आएगा, निषेध कर दिया, तो नकारार्थक है या निषेधवाचक है, कुछ भी कह सकते हैं। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? क्रिया का भाववाच्य किस में प्रयोग हुआ? तो अपन ने बताया था ऊपर कि उससे खाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, इस प्रकार से जो आया सोया नहीं जाता, तो उससे फल नहीं खाए गए, ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ पर ना कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की, इसलिए निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों? आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी को यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो भाववाच्य बताना है आपको, जल्दी से बता दें तो यहाँ बैठा नहीं जाता, ये बस, ठीक है ना? यहाँ कर्ता है ना कर्म की प्रधानता, सीधे भाववाच्य। निम्न में से कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्तृवाच्य के वाक्य का अपन को चयन करना है, सीधा हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या हो गया? कर्तृवाच्य। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, सरल वाक्य, ठीक है? सरल वाक्य यहाँ पर एक ही है कि राहुल धीरे धीरे चलता है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, ये तो भाई मिश्र वाक्य हो गया, सुबह हुई और वह आ गया संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है? जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, ये भी मिश्र वाक्य, इसलिए ये क्या हो जाएगा? राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। देखें मिश्र वाक्य चुनना है, जल्दी से बता दें। मिश्र वाक्य बताया था, एक वाक्य दिया हो, आगे उसी की व्याख्या हो, जल्दी से पहचान लें। हाँ बिल्कुल सही पहचान लें, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, ठीक है? सबने सुना है। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, रिपीट हो गया, कई बार हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक मतलब कर्म से रहित, जिसमें कर्म नहीं है, केवल कर्ता है और सीधा वो क्रिया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो अकर्मक क्रिया है वह किस में हो जाएगी? हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग, गेहूँ पिस रहा है, ठीक है? गेहूँ है वो पिसना है बस। जैसे मान लो एक है, मैं बालक को जगवाता हूँ, तो मैं क्या हो गया? कर्ता। बालक क्या हो गया? कर्म। जगवाता हूँ क्रिया, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है, ना इसमें कोई कर्ता ऐसा प्रधान है, ठीक है? तो ऐसे मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो मदन कर्ता, गोपाल को कर्म, वो हंसाना क्रिया, राम कर्ता, पत्र कर्म और लिखना क्रिया, तो ये तो सब क्या है? सकर्मक है, लेकिन गेहूँ पिस रहा है कैसा है? अकर्मक। इस प्रकार से हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता दिया, अब भूलना नहीं है, ठीक है? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? इसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, और नकारात्मक क्या हो जाए, जल्दी से आप बता दें। यहाँ पे ये नकारात्मक हो जाए कि अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, तो इसका हो जाएगा उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली नहीं है, मतलब बात वही हो गई कि वो अपनी कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली छात्र नहीं भी आ गया, तो अपन ने नकारात्मक भी कर दिया। निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, जल्दी से बता दें। चार वाक्य यहाँ पर दिए विशेषण उपवाक्य, तो आपको बता दें यहाँ पर जो विशेषण उपवाक्य वह है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है।
यहाँ पर विशेषण भी है, विशेषता भी बतला रहे हैं, उसकी व्याख्या भी है, तो मिश्र वाक्य भी है इस प्रकार से। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कैसा वाक्य है। अब आपने इतने हमारे वीडियो देख लिए तो अब तो आसानी से पहचान जाएंगे, अब दिक्कत होने वाली नहीं है। उसने कहा, प्रांग उसी की व्याख्या, मिश्र वाक्य है। आगे देखते जाएं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम का चिन्ह है। अल्पविराम जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। बिल्कुल सही पहचान रहे, चौथा और देख लें, ये तो है नहीं, तो पूर्ण विराम ए है अल्पविराम। ऐसे लगा देते ना किसी शब्द में, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, अल्पविराम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह, एक आध प्रश्न आ जाता चिन्ह से संबंधित, तो क्रम से लेके आ गए हैं जो जो पूछे जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण हम जो छांट लेते हैं बस इस पीडीएफ में ले लेते हैं। तो अर्धविराम आपको बता दें यहाँ पर ए है, सिंगल ऐसा हो तो अल्पविराम और एक बिंदी लगी हो, फिर ऐसा हो तो अर्धविराम, याद रखिएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, कैसा है भैया, तो आपको बता दें अरे आश्चर्य कर रहे हैं, यहाँ पर विस्मय हो रहा है, तो विस्मय बोधक या आश्चर्य बोधक वाक्य है। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, इसको संयुक्त कर दें। ठीक है, राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त क्या हो जाएगा, तो राम घर गया और उसमें जोड़ दो संयुक्त के लिए, उसने माँ को और उसने माँ को देखा, संयुक्त हो गया सीधा सीधा। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, कैसा वाक्य। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है, उसी की आगे व्याख्या है, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, मिश्र वाक्य हुआ। आगे बढ़ो, इतना अभ्यास करा देंगे कि आपको कहीं कोई पेपर में दिक्कत आने वाली नहीं है। आप तो हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी की प्लेलिस्ट में जाके बस, और जो वीडियो ना देख पाए हो तो वो कंप्लीट कर लो एक बार। तो वाक्य के घटक होते हैं, कौन कौन हैं वाक्य के घटक, जल्दी से बता दें। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, उद्देश्य और विधेय, वेरी वेरी IMP है। उद्देश्य और विधेय क्या है, वाक्य के घटक हैं, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है ये पेपरों में। ठीक है, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य बता दिया था कि बीच में और वगैरह जोड़ करके उसको बना देते हैं संयुक्त को, तो उसने खाना खाया और सो गया, दो वाक्य इसमें होते हैं, उसने खाना खाया सो गया, दो क्रिया हो गई, वो बीच में और जुड़ गया। निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है, आपको पता है एक वाक्य बोलते आएंगे उसकी व्याख्या कर देते हैं, तो मिश्र वाक्य बन जाता है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, उसी की व्याख्या हो गई। ठीक है, मिश्र वाक्य हो गया। निम्नलिखित में ऐसे विराम चिन्ह नहीं है, ये है नाम, कौन सा विराम चिन्ह नहीं कहलाता, अल्प विराम कहलाता है, पूर्ण विराम कहलाता है, निदेख सक अवतरण नहीं है, विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीन आते हैं। दोस्तों लाइक जरूर कर दें आप वीडियो को, ऐसे प्रश्न और निरंतर हम लाते रहेंगे। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है, तो आपको बता दें पूर्ण विराम। ठीक है, अंग्रेजी में पूर्ण विराम नहीं लिया गया अंग्रेजी से। आगे देखें, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर पहला दिया है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के बक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें हो जाएगा, बक्ष नहीं होना चाहिए, इसको बोलते कलेजे पर सांप लौटने लगे, अपने बोले कलेजे पर सांप, तो ये होना चाहिए, तो सी इसका गलत है, बाकी यहाँ तक ये वाक्य ठीक था। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ऐसे प्रश्न आपको और मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आगे हम पुनः चर्चा करेंगे इसकी। भारतीय आर भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, तो कौन सी भाषा है, हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी या फिर लौकिक संस्कृत। जल्दी से उत्तर बताना है आपको, 5 सेकंड दिए जाएंगे केवल, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय आर भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा मानी जाती है, तो वो मानी जाती है वैदिक संस्कृत, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है, तो भारतीय आर भाषा परिवार से, भारत यूरोपीय परिवार से, द्रविड़ परिवार से या आधुनिक भारतीय आर भाषा परिवार से। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर।
तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 का हो जाएगा द्रविड़ परिवार से, विकल्प नंबर जो सा है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। सा नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाषा का मूल रूप कौन सा है, भाषा का मूल रूप बताना है आपको, लिखित है, मौखिक है, मानक रूप है या फिर साहित्यिक रूप है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक रूप। मौखिक ये भाषा का मूल रूप माना जाता है और वी नंबर यहां पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे भर रहे हैं तो फटाफट से उत्तर बताना है। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ, 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी में। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है आपको। तब आपको पता होनी चाहिए कि खड़ी बोली हिंदी का जो साहित्यिक रूप विकसित हुआ वो हुआ दोस्तों 19वीं शताब्दी, 19वीं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो आपका सी नंबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। चार विकल्प हैं आपके सामने, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953 या फिर 14 सितंबर 1950। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, प्रश्न क्रमांक 5। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का वो क्या होगा, सभी लोगों ने बताया है विकल्प नंबर आ, यानी कि 14 सितंबर 1949 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत तो परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताना है चांद, सुधा, सरस्वती या फिर प्रताप। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सा, यानी कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, है ना, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई, द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू या फिर परिनिष्ठित हिंदी, किस रूप में विकसित हुई, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर बताना है हमें। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है प्रश्न क्रमांक 7 का वो बताया है दक्कनी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली। मध्यकाल में बताना है आपको हिंदी को, उर्दू को, फारसी या फिर अरबी को। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली, प्रश्न क्रमांक 8। तब प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फारसी। फारसी यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो किसके अनुसार, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342, किसके अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तब चार विकल्प के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 9 का जो उत्तर आपने बताया है वो क्या बताया दोस्तों, विकल्प नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी। तो किस काल की थी, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर वैदिक काल की। ब्रजभाषा और अवधी एक किस काल की काव्य भाषाएं मानी जाती हैं, प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल 10 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्यकाल। मध्यकाल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है, कितने वर्गों में रखा जाता है, 3, 4, 5 या 8।
हिंदी की बोलियों को। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है हमें, तब आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 5 वर्गों में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, तो किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। बुंदेली और कन्नौजी बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, पश्चिमी हिंदी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर भाषाओं का विकास किससे हुआ, आधुनिक भारतीय आर भाषाओं का विकास किससे हुआ, संस्कृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से या फिर पाली प्राकृत से, किससे हुआ। प्रश्न क्रमांक 13, तो आधुनिक भारतीय आर भाषाओं का जो विकास हुआ वो हुआ है अपभ्रंश, अपभ्रंश यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। भोजपुरी बताना है किस प्रदेश की जो है बोली मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 14, और 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। भोजपुरी मूलतः जो मानी जाती है वो बिहार की मानी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है लेकिन मूलतः बिहार की मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ, मानक हिंदी का बताना है आपको, खड़ी बोली हिंदी से, ब्रज भाषा से, अवधी से या फिर वांगरू से, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ। प्रश्न क्रमांक 15, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा खड़ी बोली हिंदी से। ठीक है, आ नंबर आपका राइट आंसर होगा, खड़ी बोली हिंदी से। अगला क्वेश्चन देख लो, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है, अशुद्ध तथ्य बताना है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 16 और 16 का कि भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए आपका अशुद्ध तत्व हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है, भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि या प्रतीकात्मक लिपि। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 17, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्रलिपि, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल बताना है आपको, विद्यापति, बिहारी, कलेक्टर्स हैं केसरी या फिर घनानंद को। तो सभी लोगों को पता है प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर, और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, विद्यापति, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है, अवधी, व्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली में। प्रश्न क्रमांक 19 का, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है, तो 19 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा व्रज भाषा, है ना, व्रज भाषा, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं, किस वर्ग की हैं, पूर्वी हिंदी की हैं, पश्चिमी हिंदी की हैं, राजस्थानी की या फिर पहाड़ी की। कौन कौन सी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, है ना, कानों की खड़ी बुंदेली, ब्रज भान हरी के पास, तो कानों से कन्नौजी, कानों के खड़ी तो खड़ी बोली, है ना, बुंदेली से बुंदेली, ब्रज भान तो ब्रज भाषा और हरी के पास तो हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी का कोड मैंने आपको बताया था कि कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रज भान हरी के पास, तो है ना, ये कोड याद कर लेना। और अगला जो अपना प्रश्न है वो कौन सा है, वो है मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली जो भाषा थी वो कौन सी भाषा है, मुगल काल में, फारसी, अंग्रेजी, चीनी या फिर जापानी, कौन सी भाषा है मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा हमें बतानी है।
तो प्रश्न क्रमांक है 21 और 21 का जो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा फारसी, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली जो भाषा थी वो थी फारसी। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, चित्र लिपि या फिर सूत्र लिपि? निम्नलिखित लिपियों में से बताना है कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हमें बताना है और राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लिखा करें, और उत्तर होगा खरोष्टी लिपि, यानी कि जो वी नंबर है वो आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है, तमिल, बांग्ला, पंजाबी या फिर मराठी? तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी लिपि, कौन सी भाषा लिखी जाती है? प्रश्न क्रमांक 23 और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मराठी, यानी कि जो डी नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हाड़ौती पहाड़ी हिंदी वर्ग की, राजस्थानी, व्यहारी या फिर पश्चिमी हिंदी की? प्रश्न क्रमांक 24, मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो 24 का आपका उत्तर होगा राजस्थानी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या शारदा लिपि से? अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर आपको बताना है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम में सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे, फेसबुक में जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करेंगे, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए IAS स्टडी ट्रिक सर्च करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तब 25 का बिल्कुल सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर राइट होगा। अगला, इनमें से हिंदी तर भाषी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र? 26 का आंसर हमें बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बताना है, हिंदी तर पूछा गया है, हिंदी तर भाषी राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? तो कब तक के लिए की गई थी, प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर बताना है। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 जनवरी 1964 तक के लिए की गई थी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो अवधि है वो क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो वी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी में किस भाषा के अर्थ से पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मानक भाषा या फिर जनभाषा? हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता है? प्रश्न क्रमांक 28। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है, बिल्कुल सही आंसर होगा मानक भाषा, सा नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, जामे रस कछु होते है, पढ़त ताही सब कोए, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सत्यनारायण कविरत्न की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की या फिर मैत्री शरण गुप्त की? ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं आपकी PGT एग्जाम में, नेट एग्जाम में। तो प्रश्न क्रमांक 29 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, आ नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किस साहित्यकार ने निभाई, सदल मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने या फिर अमीर खुसरू ने? प्रश्न क्रमांक 30, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किसने, सदल मिश्र, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है, अष्टाध्यायी, महाभास,
योग वासिष्ठ या फिर बृहस्पति नीति सार। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों अष्टाध्यायी, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? प्राकृत का, अपभ्रंश का, पाली या फिर लौकिक संस्कृत का? पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 32। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अपभ्रंश, यानी वी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? स्वर सैनी से, मागधी से, अर्ध मागधी या फिर पैसाची से? पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर, और आपने बताया है स्वर सैनी अपभ्रंश, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? मागधी से, अर्ध मागधी से, स्वर सैनी से या फिर पैसाची से? पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? प्रश्न क्रमांक 34। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अर्ध मागधी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या फिर अर्थ विज्ञान। भाषा विज्ञान के किस खंड में बताना है आपको, 35 का आंसर, और आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाक्य विज्ञान, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? लौकिक संस्कृत से, पुरानी हिंदी से, सौर सैनी से या वैदिक संस्कृत से? पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत, यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? किसका समर्थन किया, हिंदी का, हिंदुस्तानी का, हिंदुई का या फिर उर्दू का? भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया, प्रश्न क्रमांक 37, और 37 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किसका समर्थन किया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है हिंदुस्तानी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 37 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरबी, बघेली या फिर मगही? खड़ी बोली का दूसरा नाम बताना है, प्रश्न क्रमांक 38। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है कौरबी, यानी कि जो वी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधी बोली का केंद्र स्थान बताना है वस्ती है, वारावकी है या फिर बहराइच या फिर अयोध्या? अवधी बोली का केंद्र स्थान बताना है, प्रश्न क्रमांक 39। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या, यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, लोक गीतों की भाषा के अर्थ में? तो खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है, प्रश्न क्रमांक 40। तो बिल्कुल सही आंसर होगा शुद्ध के अर्थ में, आ नंबर, प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर बताना है, तो बा नंबर, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। ठीक है, अर्थ के अतिरिक्त बताना है, खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस में होता है, तो ये होता है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, बा नंबर। ठीक है, अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाला प्रथम लेखक कौन था? पुरानी हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या शिवसेन सेंगर? 41 का आंसर यहां पर बताना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाला जो प्रथम लेखक था वो कौन था? तो वो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है दोस्तों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? 42 का आंसर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अपभ्रंश के प्रथम
महाकवि माने जाते हैं स्वयंभू, यानी कि जो वी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, 1963, 61, 64 या फिर 62। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1963 आ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ, 44 का आंसर बताना है यहां पर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1967 में, ठीक है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ 1967। नेक्स्ट है, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे, 5, 11, 21 या फिर 7। 45 का आंसर बताना है। तो 1955 में जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उस राजभाषा आयोग में जो सदस्य थे दोस्तों वो कितने सदस्य थे। हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई, तो किसके नेतृत्व में हुई, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर बाबू शिव प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 46 का आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उत्तर बताना है, 5 सेकंड आपको दिए जाएंगे 46 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में, 7 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया, किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया, भारतेंदु युग, लाल युग, खड़ी बोली हिंदी युग या फिर आधुनिक युग। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने बताना है प्रश्न क्रमांक 47 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर वी, यानी कि लाल युग। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग से अभिहित किया, तो वो किया लाल युग से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है, किस शताब्दी को कहा जाता है, 20वीं शताब्दी को, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 17वीं शताब्दी। तो किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग माना जाता है, 48 का आंसर। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मंडियाली का संबंध किससे है, मंडियाली का संबंध किससे है, राजस्थानी से, पहाड़ी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी से। 49 का आंसर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहाड़ी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, बांगरू, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर अवधी। प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अवधी, है ना। मैंने पूर्वी हिंदी का एक कोड आपको बताया था, अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, यानी आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो यहां पर आया है अवधी, ठीक है। अगला देखो, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक बताना है, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवसेन सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसादत्त तासी। 51 का आंसर बताएंगे सभी लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक माना जाता है वो माना जाता है गारसादत्त तासी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, तो कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, 6, 12, 20 या फिर 18। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 खंडों में, 18 यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। प्रश्न क्रमांक 52 का आंसर दा। अगला, हिंदी साहित्य की भूमिका लेखक का लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका मैंने कई बार आपको पढ़ाई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है इसके लेखक का नाम बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है, ठीक है।
तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो किस ग्रंथ द्वारा? मिश्र बंधु विनोद, शिवसेन सरोज, हिंदी शब्द सागर या हिंदी साहित्य? 54 का आंसर बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तब आपका 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, किसने दिया है? मिश्र बंधु विनोद, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर श्रृंगार संग्रह? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 55 का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा 55 का? सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं। और उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता, सा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? 56 का आंसर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक या साहित्यालोचन? तो किस रूप में प्रकाशित हुआ था? 56 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, आ नंबर, ठीक है। अगला है दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, रेने वेलक या फिर गिलक्राइस्ट? 57 तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के उसमें जो है ये प्रकाशित हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान बताना, राम कुमार वर्मा, शिवसेन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या फिर धीरेन्द्र वर्मा? 58 का आंसर, तब बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि जो सा नंबर है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, गारसा द तासी ने इस्तवार दाला लेते उत्तर हिंदू हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो किस भाषा में की? फ्रेंच में, अंग्रेजी में, रूसी या फिर जर्मन में? 59 का आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंच। द गारसा द तासी ने इस्तवार दाला लेते उत्तर हिंदू हिंदुस्तानी ग्रंथ की जो रचना की है वो किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में की है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर धीरेन्द्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? प्रश्न क्रमांक 60। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज बपन काल से नाम से अभिहित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामकुमार वर्मा? किस आलोचक ने आदिकाल को बीज बपन काल से अभिहित किया? प्रश्न क्रमांक 61 का आंसर, और राइट आंसर होगा आपका क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, बी नंबर। अगला है दोस्तों, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? मिश्र बंधुओं ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राहुल सांकृत्या या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? 62 का आंसर हमें बताना है, और राइट आंसर जो हो जाएगा आपका किसने माना है? राहुल सांकृत्या, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? प्रश्न क्रमांक 63, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? और आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर गाथा काल, यानी कि जो वी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल, मध्य काल, उत्तर मध्य काल या फिर आधुनिक काल? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? 64 का आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा
भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला है आदिकाल कृति। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो साहित्य के, जैन साहित्य के, सिद्ध साहित्य के या फिर लौकिक साहित्य के? ढोला मारूरा दुहा के जो रचनाकार है वो कौन है? कोसल लाभ माने जाते हैं। कहीं कहीं पर इसके रचनाकार कल्लोल कभी भी मिलते हैं, लेकिन 65 का जो आपका राइट आंसर होगा वो लौकिक साहित्य सही हो जाएगा, ठीक है। आदिकाल के अंतर्गत सरयपा, लुईपा, सवरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? किस साहित्य से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। आपने देखा होगा आदिकाल में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य ये दो शाखाएं थी, ठीक है, और सिद्ध साहित्य के प्रमुख थे सरयपा, लुईपा, सवरपा, ये सभी सिद्ध साहित्य से संबंधित है। 66 का आंसर वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, भीषण देव रासो, संदेश रासा या फिर खुमान रासो? सभी लोगों ने पढ़े हैं दोस्तों, जल्दी से 67 का आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है जिसके रचनाकार माने जाते हैं चंद वरदाई। कौन माने जाते हैं? चंद वरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण से, प्राकृत पेंगलम से, खालिक बारी या फिर श्रापकाचार से? आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्रश्न क्रमांक 68 और आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्राकृत पेंगलम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? 69 का आंसर नरपति नाल को, जगनिक को, चंदबरदाई या फिर गोरखनाथ को? पृथ्वीराज रासो का जो रचयिता है वो किसे माना जाता है? तो प्रश्न क्रमांक है 69 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंदबरदाई को, ठीक है, सा नंबर। नेक्स्ट दोस्तों, रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है? गे काव्य बताना है आपको, भीषण देव रासो, परमाल रासो, वर्ण रत्नाकर या फिर राउल बेल? प्रश्न क्रमांक 70 है ना, गीति काव्य जिसे बोले वही है गे काव्य। तो गे काव्य कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भीषण देव रासो, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है या फिर काव्य ग्रंथ है? दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 71 और 71 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये दामोदर शर्मा का ऐसा क्वेश्चन भी एक आता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसका ग्रंथ है, तो ये दामोदर शर्मा का है और ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है, सा है, वो बिल्कुल कंप्लीट राइट होगा, ठीक है। आदिकाल में खली बोड़ी को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंदबरदाई या फिर सरयपा? आदिकाल में बताना है आपको खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला प्रथम कवि कौन था? 72 और 72 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, आदिकाल के जो है अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो साहब, और इन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले जो पहले कवि थे अमीर खुसरो साहब, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल आंसर सही होगा। आदिकालीन श्रलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो वो कौन सी है? श्रलांकित कृति, यानी कि शिला पर अंकित जो कृति है, और ये गद्य पद्य मिश्रित है, यानी कि ये चंपू काव्य है, और वो रचना कौन सी है? तब आपको उत्तर यहां पर बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। प्रश्न क्रमांक 73 तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दा, क्या हो जाएगा? राउल बेल। राउल बेल इस श्रलांकित कृति मानी जाती है, ठीक है, डी नंबर। रोड़ा कवि की रचना है, रोड़ा कवि की रचना है राउल बेल, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियां, मुकरियां, गजल, गीत या फिर दोहे? किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे अमीर खुसरो? 74 का आंसर बताना है।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो की आपने क्या पढ़ी हैं, पहेलियां पढ़ी हैं, मुकरियां पढ़ी हैं। तो अमीर खुसरो यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया, किस शैली का प्रयोग किया गया, पिंगल शैली, डिंगल शैली, दोहा चौपाई या फिर कवित्त सवैया। सभी लोगों को पता है कि आदिकाल में दो शैलियां प्रचलित थी, एक तो डिंगल और एक थी पिंगल। तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, 75 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डिंगल, डिंगल यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। तो किस पंथ से बताना है, भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, बौद्ध पंथ से, जैन पंथ से, नाथ पंथ से या फिर वज्रयान पंथ से। 76 का आंसर यहां पर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाथ पंथ से। नाथ पंथ से भक्ति काल के संत मत का उदय हुआ। एक क्वेश्चन और बनता है कि भक्ति काल की जो संत काव्य धारा थी इस पर किसका प्रभाव जो है था या प्रभाव पड़ा, तो वो नाथ संप्रदाय का है ना। तो सा नंबर यहां पर कंप्लीट आंसर सही होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया, रामकुमार वर्मा के बारे में आपको बताना है। 77 का आंसर अपभ्रंश काल, संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत काल या फिर अंधकार काल। प्रश्न क्रमांक 77 और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इन्होंने आदिकाल का जो नाम दिया, सबसे पहले तो इन्होंने संधि काल नाम दिया और उसके बाद दूसरा जो इनका काल था वो चारण काल था। ठीक है, संधि काल और चारण काल, वी नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, 78 का आंसर बताना है, गोरखनाथ, गोपी चंद, चौरंगी नाथ या फिर चुड़कर नाथ। तो जल्दी से बता, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो वैसे दोस्तों यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, वैसे नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं मत्येंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ। ठीक है, चूंकि यहां आपका ऑप्शन नहीं है तो गोरखनाथ आपका बिल्कुल सही होगा, आ नंबर। ठीक है, याद रखें गोरखनाथ के गुरु थे मच्छेंद्र नाथ, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीर्ति लता और कीर्ति पता का किस कवि की रचनाएं हैं, विद्यापति, रामानंद, नरपति नाल या फिर अमीर खुसरो की। कीर्ति लता और कीर्ति पता का ये दो रचनाएं हैं, और ये दो रचनाएं किसकी हैं, तो आपका बिल्कुल सही होगा पद लता पता का, पद लता पता का, ऐसे हम याद भी इनको करते हैं। किसकी, विद्यापति, विद्यापति यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो सही हो जाएगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है दोस्तों, और इनकी जो रचना है पद लता पता का, पदावली है ना, कीर्ति लता और कीर्ति पता का, इनको ऐसे भी याद करते हैं। अगला है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किस लेखक का है, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास या फिर धीरेन्द्र वर्मा का। इन्होंने क्या कहा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ये कथन किसका है। प्रश्न क्रमांक 80 और 80 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो प्रश्न क्रमांक 81 का आंसर बताना है, और आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा भी आता है कहीं कहीं, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की जो समय सीमा थी उसी को इन्होंने चारण काल कहा था। ठीक है, इसके पहले के काल को रामकुमार वर्मा ने संधि काल नाम दिया और फिर उसका नाम दिया चारण काल, लेकिन यहां पर जॉर्ज ग्रियर्सन है, तब आपका विकल्प नंबर जो बी है वो यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ये दो साहित्य पढ़ने को मिलते हैं हमें आदिकाल में। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई, 60, 40, 84 या फिर 20। प्रश्न क्रमांक 82,
तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 84। 84 सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। कई बार एग्जाम में पूछा गया 82 का, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 83। भरतेश्वर बाहुबली रास इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। एक रचना पूछी गई थी दोस्तों अभी एमपीटेट में, बाहुबली किसकी कृति है, तो ये जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी है, जैनेन्द्र कुमार की, ये चीज भी याद रखनी है। बाहुबली रचना के रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार, लेकिन अगर बात आती है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है, तब आपको बताना है उत्तर हो जाएगा शालीभद्र सूरी, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है इन्होंने, है ना, तो याद रखना है। अगला है शिवसेन सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिवसेन सेंगर ने बताना है सरहपाद, पुष्य, कबीर या फिर लुइया, किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, प्रश्न क्रमांक 84। और 84 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने, शिवसेन सेंगर ने। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की, भट्ट केदार ने, गोपी चंद ने, ज्योतिषो ठाकुर या फिर मधुकर ने। 85 जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मधुकर। मधुकर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है मधुकर कवि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भरथरी जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित हैं, सिद्ध साहित्य है ना, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य, प्रश्न क्रमांक 86। तो है ना, जैसे इसके एक नाम आता है जालंधर नाथ, तो वही है भरथरी और जालंधर, जालंधरी पाव इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये नाथ साहित्य से संबंधित हैं। वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई, तो किस साहित्य की, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य या फिर रास साहित्य, प्रश्न क्रमांक 87 का जो आंसर है वो यहां पर बताना है। तो प्रमाणिकता, साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी गई, तो वो मानी गई रासो साहित्य की, आ नंबर यहां पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 87 का। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है, तो किस भाषा का मुख्य छंद माना है गाथा को, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर हिंदी, प्रश्न क्रमांक 88। और 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है, और उत्तर हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर बी यानी कि प्राकृत का। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है, वर्ण रत्नाकर ये रचना है ज्योतिषो ठाकुर की, ज्योतिषो ठाकुर की है। मैंने कई बार आपको बताया है कि वर्णों को अगर पढ़ना है तो ज्योति में पढ़ना है, अंधेरे में नहीं पढ़ना है, ज्योति में पढ़ना है तो ज्योतिषो ठाकुर इसके रचनाकार होंगे। और वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति मानी जाती है, चार विकल्पों में से चयन करके उत्तर हमें बताना है, प्रश्न क्रमांक 89 का। तो आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी, ये गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, वन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई, प्रश्न क्रमांक 90। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई, तब आपका प्रश्न क्रमांक 90 और उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, डी नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है, शुक्ल के अनुसार बताना है, 91 का आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ईस्वी में दिया है यहां पर तो 1318 से 1643, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर राइट आंसर होगा, ईस्वी। ठीक है, ईस्वी भी आपको पता होनी चाहिए, 91 का आ है ना। अगला है शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक अध्यात्मिक एक्य का निरूपण किया, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक अध्यात्मिक एक्य का निरूपण किया, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत वेदांत या फिर शुद्धाद्वैत, 91 का आंसर, 92 का।
तब आपका बिल्कुल सही होगा अद्वैत वेदेन, अद्वैत है ना, अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन देखो, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या फिर राम काव्य धारा? तो रामानंद बताना है 93 का आंसर। राइट आंसर क्या होगा? सगुण भक्ति धारा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 90 आंसर आपका बी नंबर सही होगा दोस्तों, सगुण नहीं निर्गुण भक्ति धारा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नाभदास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? 94 भक्तमाल, अष्टयाम, कबीर चरित्र बोध या कबीर परिचय? तो नाभदास रचित ग्रंथ कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है, तो नाभदास रचित ग्रंथ है भक्तमाल, यानी कि आ नंबर आपका यहां पर राइट होगा। अगला है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। ये पंक्तियां किस संत कवि की हैं? 95 का आंसर यहां पर हमें बताना है, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये रैदास की है, रैदास सा नंबर। अगला है दोस्तों, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? प्रेम की पीर का प्रचारक कवि किसे माना जाता है? रसखान, जायसी, सूरदास या कबीरदास? 96 का आंसर भक्ति काल के दौरान बताना है, तो आपका बिल्कुल सही होगा, सूफी काव्य धारा के महाकवि जायसी। ठीक है, जायसी बी नंबर आपका सही होगा। इनका एक महाकाव्य है पद्मावत, पद्मावत महाकाव्य सूफी काव्य धारा का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? वैष्णव भक्ति तो रामानुजाचार्य, हरिदास निरंजनी, विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य, किसकी नहीं की जाती? 97 का आंसर बताना है। तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापकों आचार्यों में नहीं की जाती, तो वो नहीं की जाती हरिदास निरंजनी, वी नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? तो कौन सा रूप हुआ? 98 का आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राम भक्ति। राम भक्ति यानी कि आ नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो किस संस्कृत काव्य में मिलता है? ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, गाथा सप्तशती या फिर वेणु संहार? तो वो मिलता है दोस्तों ब्रह्मचरित, यानी कि जो आ नंबर है वो यहां पर कंप्लीट राइट आंसर हो जाएगा। मसी कागज छुओ नहीं कलम, मसी कागज छुओ नहीं कलम, गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई? प्रश्न क्रमांक 100 का आंसर बताना है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि कई बार हमने पढ़ा है और कई बार परीक्षा में भी पूछी गई ये पंक्ति, और उत्तर आपका हो जाएगा कबीरदास, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कालिदास की रचना रघुवंशम है, तो जो कालिदास की रचना है कौन सी? रघुवंशम है। यह क्या है? तो यह एक महाकाव्य है, यह एक महाकाव्य है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसाह करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं, तो कालिदास, भवभूति, माघ या भास, तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, और 2 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि भवभूति। भवभूति आपका यहाँ पर सही आंसर है। संस्कृत के महाकवि भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है। 3 नाटक कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर 3 नाटक जो इनके हैं, मालती माधवम, और दूसरा जो है महावीर चरितम, और तीसरा जो है उत्तर रामचरितम। ये जो है 3 नाटकों की रचना की है, संस्कृत के महाकवि हैं भवभूति। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर
कला परिच्छेद के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। कला परिच्छेद के लेखक कौन है, कालिदास है, दंडी है, भवभूति है या भारवी है, तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि दंडी आपका राइट आंसर है। दंडी आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, तो उत्तर रामचरितम जो है इसका प्रधान रस बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, करुण या श्रृंगार या वीर या शांत, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वह है आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि करुण आपका यहाँ पर सही आंसर है, करुण आपका राइट आंसर। देखिए जो है यूपी टीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपके लिए आंसर बताते जाना है। अगर आपसे आंसर बनता है तो महाकवि भवभूति राम जो इनके द्वारा रचित है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस की बात करते हैं, तो यहाँ पर करुण आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं और आपको यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो अगर आपसे आंसर बनता है तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, देखिए यहाँ पर विकल्प बता देते हैं, देखिए ये हैं आपके यहाँ पर विकल्प, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यहाँ पर सही आंसर है। देखिए सी में यहाँ पर क्या है, दस कुमार चरित है, जो दस कुमार चरित की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दस कुमार चरित का राइट आंसर है दंडी आपका सही आंसर होगा, दंडी यहाँ पर इस प्रकार दंडी। फिर नैषधीय चरित की बात करें तो नैषधीय चरित के लेखक जो हैं कौन होंगे, नैषधीय चरित के, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है श्रीहर्ष। और फिर यहाँ पर उत्तर रामचरित हैं तो भवभूति आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये जो है सूची सम्मिलित हो चुकी है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारवी कवि द्वारा रचित किरातार्जुनीयम जो है का प्रधान रस बताना है, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 विकल्प दिए गए हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस, तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि वीर रस आपका यहाँ पर सही आंसर है, वीर रस आपका यहाँ पर सही आंसर है। और जो भारवी द्वारा रचित है एक महाकाव्य है, याद रखना है महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, और इसके कुल सर्ग 18 सर्गों में कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करनी आदि अनेक बातों तत्वों का इसमें वर्णन किया गया है, किरातार्जुनीयम में यह एक महाकाव्य है भारवी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, श्रीहर्ष द्वारा रचित है नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है, तो कौन सी रीति की इसमें प्रधानता है आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि वैदर्भी रीति आपका सही आंसर है, वैदर्भी रीति यहाँ पर सही आंसर है, 2005 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इसमें जो है श्रीहर्ष द्वारा रचित है नैषधीय चरित्र एक महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, इसमें कुल 22 सर्गों में नल दमयंती के प्रणय से लेकर परिणय यानी कि विवाह तक का सांगोपांग वर्णन किया गया है इसमें नैषधीय चरितम में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कि करुण रस के करुण के रस राजा
की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 8 है, करुण की रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है, और 8 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि उत्तर रामचरितम। आपका सही आंसर है उत्तर रामचरितम, सही आंसर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो देखिए यह है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर है 9 कि बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो नहीं आता है, तो नहीं पूछा है कौन सा नहीं आता है बृहत्तरी में, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि रघुवंशम। रघुवंशम आपका यहाँ पर सही आंसर है, जो डी है रघुवंशम, यह महाकाव्य नहीं आता है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। देखिए जो है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम है, और महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्तरी में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 10 आपका कि सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो सूची एक को सूची दो के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है, कोट दिए गए हैं यहाँ पर, देखिए ये हैं आपके कोट, तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, राइट आंसर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर एक का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर जो कालिदास है, तो कालिदास का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कालिदास का होगा अभिज्ञान शकुंतलम, तो दो आपका यहाँ पर सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर माग दिया है, तो माग का आपका सही आंसर होगा क्या होगा, शिशुपालव धम आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर जो दो यहाँ पर जो तीसरा है यहाँ पर सही आंसर होगा। भवभूति का यहाँ पर क्या होगा, तो भवभूति का आपका होगा क्या है, उत्तर रामचरितम, भवभूति का उत्तर रामचरितम आपका सही आंसर है। दंडी का क्या होगा, दस कुमार चरितम आपका दंडी का, इस प्रकार जो है आपकी इस सूची सम्मिलित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो महाकवि कालिदास जो है किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है यह बताना है, तो आपका सही आंसर है उपमा, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, उपमा आपका सही आंसर है। TGT UP TGT 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और संस्कृत के महाकवि कालिदास उपमा अलंकार की बेजोड़ प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन, कालिदास जी। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पर, रघुवंशम किसकी रचना है, रघुवंशम जो रचना है किसकी है, तो बताना है व्यास की, भरत मुनि कालिदास या चाणक्य, तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प है क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है आपका वह है राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि कालिदास आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही कालिदास आपका सही आंसर है, कालिदास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर दिया गया है कि शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है, तो शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम बताना है, भामय, कुंतक, भारवी, माघ, तो ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का जो राइट आंसर है शिशुपाल वध के रचनाकार हैं, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी यानी कि माघ आपका सही आंसर है, ये भी क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया था, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर है। देखिए शिशुपाल वधम महाकवि माघ द्वारा रचित बृहत्तरी का एक ग्रंथ है, और जबकि भामय ने काव्य अलंकार लिखा है। और अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्री हर्ष का ग्रंथ है, तो श्री हर्ष का ग्रंथ जो है वह कौन सा है, निषद काव्य आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका भी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है यहाँ पर, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 15 है उपमा, रूपक या श्लेष उत्प्रेक्षा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि उपमा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही उपमा आपका यहाँ पर सही आंसर है।
संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अपनी उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।